गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 12 सितंबर। आज का दिन मतलब पुणे के दिन तो यार काफ़ी कोजी ही रहते हैं, बट कल एक्चुअल में क्या हुआ, कल मेरा पूरा दिन लैपटॉप के सामने ही गया, काम कर रहा था, तो रात में इतना ज़्यादा सिर दर्द हो गया ना मेरा, इतना ज़्यादा। मैं सोया अराउंड 12 बजे, अभी 11:30 हो रहा है। पहली बार मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं इतना लंबा सोया, बट कोई नहीं। मैंने बताया था आपको यहाँ कबूतर मचा के रखते हैं। अब यहाँ पे वहाँ पे वो अंडे देते हैं, एक अंडा वहीं पे है ठीक। कल तक वहाँ पे दो अंडे थे और अब वो उठाने की कोशिश कर रही होगी यहाँ से, एक अंडा उसने यहाँ गिरा दिया। अब इस अंडे का मैं क्या करूँ, या तो उठा के ले जाती, फेंकूँ कि साइड में रख दूँ, क्या करूँ, साइड में रख दूँगा यार, अपने आप उठा के ले जाएगी जहाँ से आसानी होगी। क्योंकि यहाँ पर मैंने चादरें सुखा रखी हैं, चादर सूखने में इतना टाइम लगता है ना, धूप आती ही नहीं है। चलते हैं फटाफट यार, अपना ही दर्शन अप होते हैं, चाय बनाते हैं। मैंने सोचा था कि यार अदरक लेके आऊँगा, अदरक लाना ही भूल गया था, सो कॉफ़ी पी लेते हैं आज। एकदम मज़ेदार कॉफ़ी बनी है यार, मज़ा आ जाता है कॉफ़ी पीने में। राजा तो चाय ही है यार, कुछ भी करो। चाय पीने के बाद जो मज़ा आता है ना, कॉफ़ी पीने के बाद उतना नहीं आता, बट क्या करें, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं, किसी को चाय पसंद है, किसी को कॉफ़ी पसंद है। अभी फटाफट कॉफ़ी पियेंगे, देन उसके बाद थोड़ा निकलेंगे बाहर। बाइक जो है मेरी वो सही करवानी है, मैंने थोड़ी सही करवाई थी, बट जो बाकी का काम है वो उनके यहाँ नहीं हो पाएगा, मुझे दूसरी जगह जाना है। आई थॉट वो अंडा उठा के साइड में रख देता हूँ ताकि वो उठा के ले जाएगी, बट अंडे की हालत कुछ ज़्यादा ही बुरी है। आई मीन वो पूरा पूरा टूट चुका है। टाइम अराउंड हो गया है, 2 बज चुके हैं सुबह, तो लेट ही उठा था, तो तब से बैठ के थोड़ा बहुत काम कर रहा था, क्योंकि बाइक की एक जगह सर्विसिंग कराने मुझे वहाँ जाना है, मतलब अपने घर के पास ही जाना है, बट मेरे गाड़ी का जो आगे का व्हील है वो ख़राब हो चुका है थोड़ा, तो वो बदलवाना, मुझे कहीं और जाना है, तो मैंने सोचा था उस टाइम तक अभी काम कर लेते हैं। अभी चलता हूँ, पहले व्हील सही कराऊँगा, दिन उसके बाद दूसरी सर्विस कराऊँगा। फिलहाल पहुंच गया हूं जहां से टायर चेंज कराना है, बट इस समय लंच टाइम चल रहा है, तो लोग लंच कर रहे हैं अभी। पीछे ही पीयूसी वाला भी, पोल्यूशन भी कराना है, कुछ भी नहीं है गाड़ी का फिलहाल। तो अभी हम आए हैं विक्रम के घर पे। अपनी धनु का काम तो नहीं हो पाया, उसके पास टायर का साइज था बट एक साइज बड़ा था। मैंने उसको बोला कि भैया तुम लाओगे कि नहीं, वो बोला भैया कम से कम 5-6 दिन लगेंगे। मैंने कहा ठीक है रहना। मैं जा ही रहा था घर को, पीछे से विक्रम आया, विक्रम बोलता गाड़ी साइड लगा। मैंने कहा कौन है भाई, मेरे को बोला गाड़ी साइड लगा। तो अभी चल रहा है विक्रम के घर पे, आज राहुल भाई जाने वाले, तो मैंने कहा मिल भी लेते हैं। राहुल भाई को टाटा बोल लिया है, थोड़ी देर बैठा जस्ट, विक्रम सोया नहीं था, तो विक्रम ने बोला हमें सोया। मैंने कहा ठीक है चल, मैं अभी निकलता हूँ, अब जाऊँगा एक और जगह देखने, वहाँ पर मे भी शायद टायर अवेलेबल होगा, होगा तो लगवा लेंगे, नहीं होगा तो फिर कभी। विक्रम के घर से निकला ही था, बहुत ज़ोर की बारिश स्टार्ट हो गई है, एंड मेरे पास अभी फिलहाल रेनकोट नहीं है, मुझे अभी जाना था ज़रा दूसरा टायर है सर्विसिंग के लिए, बट बारिश बहुत तेज़ है और लंच टाइम भी हो गया था, सुबह से कुछ खाया नहीं। आई थॉट यार घर पे देखता हूँ कुछ होगा, मंगाया होगा मैंने, बट रेडी टू मेड में कुछ नहीं है फिलहाल। मेरे पास ब्रेड है, ब्रेड ले गया है, तो ब्रेड बटर बनाते हैं। जो चीज़ ब्रेकफास्ट में खानी चाहिए वो मैं लंच में खा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। अपना लंच 4 ब्रेड एंड थोड़ी सी कॉफ़ी, कॉफ़ी कुछ ज़्यादा ही हो रही है आज, ये कुछ घर में लाया नहीं हूँ, अब जाके लेके आऊँगा यार सब कुछ, तब जाके मतलब हल्के हल्के सेट हो रहे, क्योंकि काफ़ी टाइम से घर बंद था एंड कोई भी सामान घर पे नहीं है, तो यू नो मैनेज करना पड़ता है। तो निकल रहा हूँ सर्विसिंग कराने के लिए, मतलब बार बार कभी पार्ट्स नहीं मिलते, कभी कुछ नहीं मिलता, तो यू नो लगा रहता है काम से, जब तक बहन का पूरा सब काम नहीं हो जाता ना तब तक ऐसे ही चलता रहेगा रोज़ रोज़। तो अभी जस्ट घर पहुंचा हूँ, फुल एग्जॉस्ट हो गया है, सुबह से बाहर हूँ, गाड़ी के टायर ढूंढ रहा हूँ, कहीं भी टायर अवेलेबल नहीं है यार, वो साइज़ का जो मतलब मेरी बाइक के आगे लगता है, कहीं भी अवेलेबल नहीं है,
बताओ, धनु बेचारी इतनी परेशान है, गाड़ी का टायर खराब हो गया, मीटर खराब हो गया, और भी काफ़ी सर्विसिंग करवाई है उसमें, तो अभी बस मीटर एंड टायर बचा हुआ है। मीटर यार मैं भी पता नहीं कहाँ मिलेगा, शोरूम में ले जाना मतलब बहुत ही बड़ा फटका मार देते हैं, इसलिए शोरूम जाने का मेरा मन नहीं है। लेट्स सी कहाँ पे मिलता है, मिल जाएगा, आज तो कहीं पे नहीं मिला, बट देखूंगा एक दो जगह और मिल जाएगा। बात फिलहाल ऐसी हो रखी है ना यार कि जब से मैं आया हूँ, मैं 6 तारीख को आ गया था, चलो एक दिन तो ऐसे नॉर्मल जाता है, 7 तारीख से लेके 11 तारीख तक मतलब मैं घर का ही काम करने में था, सिर्फ मतलब पूरा घर सेटअप किया, जो भी फालतू चीज़ थी वो फेंक दी। अभी भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो फेंकने वाली हैं, उनको भी कर देंगे बाद में, टाटा बाय बाय गुड बाय। गया कल से बाइक का काम स्टार्ट किया है, बाइक सर्विस कराने दी थी, पहले तो क्या हुआ थोड़ा हैंडल लॉक में प्रॉब्लम थी तो वो चेंज करवा दिया, देन उसके बाद देखा भाई मीटर भी गया हुआ है, आगे का जो टायर था वो पूरा मतलब प्लेन हो गया है तो चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, एक तो बारिश का टाइम है, 2 बार तो ऐसे स्लिप कर गई थोड़ी तो बच गया, मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं था, तो अभी देख रहा हूँ यार इधर उधर टायर, अभी देखता हूँ टायर के लिए एक और जगह जाना है, तो विक्रम ने बोला पहले तो मेरे घर आ जा उसके बाद हम दोनों चलेंगे, अगर ठीक है चलो फटाफट विक्रम के घर पे मिलते हैं यार, थोड़ा एग्जॉस्ट हो रहा हूँ आज। तो विक्रम के घर पहुँच चुका हूँ और पूरा गीला हो गया, रास्ते भर में इतनी बारिश हो रही है, मतलब जैसे जैसे निकल रहा हूँ इंद्र देवता बोलता है दिखाऊंगा तुझे, और विक्रम भाई तो सो रहे हैं यहाँ पर, बोला विक्रम को उठ जा थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, देखते हैं कितने बजे तक उठेगा, अभी 6 बज रहा है। तो अभी शाम की चाय चल रही है, विश्वा भाई ने बनाई है, चलो सॉरी नैन भाई, ये छू छू आ रहा है, ओए छू छू राहुल भाई जा रहे हैं वापस अपने घर, कब है वापसी, कब है वापसी, 1 तारीख को आ रहा है मैं, 1 तारीख को, see you soon, maybe the birds will sing about your heart, maybe the trees will whisper the word। So अभी just घर पहुंचा हूं, but यहाँ से पूरा गीला हो चुका, ऑलमोस्ट पूरा, बस बैक साइड बचा हुआ थोड़ा। सो हम गए थे उसके बाद थोड़ा कॉलेज तक राइड लेने के लिए, वहाँ भी पता किया वहाँ भी टायर अवेलेबल नहीं है, उन्होंने कहा यार ठीक है हर जगह मतलब दो तीन दिन लग ही रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है भाई मंगा दूँ। सो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो, कॉमेंट करो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय श्री राम, जय।